नमस्कार। तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आपेक्षिक वेग क्या होता है। हमने बेसिकली उसमें पढ़ा था कि हमारी कोई कार जा रही है, करेक्ट, ये कार हमारी ए है, वी ए वेग से जा रही है रोड के ऊपर, यहाँ पे आप खड़े हो और आप उसे देख रहे हो, करेक्ट। तो आपके सापेक्ष कार का वेग क्या होगा या कार के सापेक्ष आपका वेग क्या होगा, कैसे निकालते थे? वी ए बी कार का वेग आपके सापेक्ष हम क्या निकालते थे? वी ए जी माइनस वी बी जी। तो ये तो थी हमारी वन डायमेंशन में आपेक्षिक वेग की प्रॉब्लम्स की। इसमें अगर आप इसे देख रहे हो तो ये सीधी चलती जा रही है, तो आपको भी सीधी ही दिखाई दे रही है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं टू डायमेंशन प्रॉब्लम, दो विमीय परेशानियां क्या होती हैं वो। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे हमारी ये नदी है, अब नदी में ये बंदा तैर रहा है, ठीक है, तो ये कोशिश कर रहा है कि मैं यहां से तैरना शुरू करूं और यहां से इस पॉइंट पे तैर के पहुंच जाऊं। इसका कुछ तैर रहा है ये वेग से, स्विमर बोलते हैं तैराक, तो एस लगा लिया हमने। नदी हमारी कुछ वेग से वी आर से बह रही है, नदी के सापेक्ष इसका जो है वेग वो वी एस आर है। तो ये बंदा चाह रहा है कि यहां से स्विम करना स्टार्ट करे, तैरना स्टार्ट करे और यहां पे वो पहुंच जाए। अब इसमें एक चीज देखो, अगर एक बंदा और है जो पानी में यहां अंदर है, जब वो इसे देखेगा तो इसे ये जाता हुआ दिखाई देगा सीधा, पर अगर जमीन पे कोई बंदा है और वो इसे देख रहा है तो जमीन वाले बंदे को ये जाता हुआ दिखाई देगा ऐसे। क्यों? रीजन ये है, देखो ये तो ऐसे तैर रहा है, नदी ऐसे तैर रही है, तो नदी भी जैसे थोड़ा सा इधर की ओर को लेके जाएगी, नदी इसे ऐसे बहाएगी और ये ऐसे जाएगा, तो इसका कुछ परिणामी वेग कुछ ऐसा हो जाएगा, तो ये सीधा यहां ना पहुंच के यहां पहुंचेगा, तो इसे ये दिखाई देगा तिरछा तैरता हुआ। पर जो नदी के अंदर है उसका क्या होगा? वो भी तो नदी उसे भी तो बहा रही है, तो ये दोनों साथ में ऐसे जा रहे हैं, तो इसे ये ऐसे सीधा जाता हुआ दिखाई देगा। तो आज हमें यही प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, इन्हें हम क्या कहते हैं? रेन स्विमर प्रॉब्लम, या हम कहते हैं नदी तैराक की परेशानी, या इसमें ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे रेन बोट प्रॉब्लम हो जाती है, हवा में वायुयान हो जाता है, तो इस टाइप से बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हमारी बन जाती है, पर सबको करने का तरीका एक जैसा सही होता है। अब इसमें एक चीज और देखो कि ये जो वेग से जा रहा था ये था नदी के सापेक्ष तैराक का वेग, नदी हमारी इस वेग से जा रही है, ये क्या हो जाएगा? वी आर जी। भाई जो बंदा सारी की सारी जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको सॉल्व करनी है कि बंदा आपका जमीन के ऊपर खड़ा होके देख रहा है तब कैसे चीजें हो रही हैं। तो नदी का जो वेग है वो भी धरती के सापेक्ष, जमीन के सापेक्ष, वी आर जी ग्राउंड के सापेक्ष, ये वेग क्या हुआ? ये वाला बंदा ही तो देख रहा है ना, तो ये क्या हो गया? वी एस जी, जो कि हमें अधिकतर प्रॉब्लम्स में क्वेश्चंस में हमारे निकालना होता है। तो अब इसे हम समझते हैं न्यूमेरिकल की हेल्प से। तो इस प्रॉब्लम में इन्होंने हमें कहा कि 400 मीटर चौड़ी एक नदी है, ये हमारी नदी है जिसकी चौड़ाई कितनी है? 400 मीटर, और नदी 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से बह रही है। नदी का वेग कितना हो गया? वी आर जी, 2 मीटर प्रति सेकंड। एक नाव पानी के सापेक्ष, तैराक नदी के बारे में उन्होंने क्या दे दिया? नाव, एक नाव पानी के सापेक्ष 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से धारा की दिशा के लंबवत चल रही है। जो नाव है हमारी ऐसी सी कुछ नाव है, वो धारा के लंबवत इस वेग से चल रही है। इसे हमने क्या बोला? ये क्या हो गया हमारा? धारा के सापेक्ष है। सो वी बी आर बी बोट आर रिवर, बोट का रिवर के सापेक्ष वेग कितना दिया है इन्होंने? 10 मीटर प्रति सेकंड, यहां लिख देते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड। अब इन्होंने कहा नाव का नदी पार करने में कितना समय लगेगा? प्रारंभ के बिंदु से ठीक सामने दूसरे किनारे पर के बिंदु से यह नाव कितनी दूर निकलेगी? तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो अब फिर से वही सेम, सबसे पहले हम क्या कंसीडर करेंगे कि हम कहां से देख रहे हैं खड़े होके?
जमीन से. तो जमीन से देखने वाले बंदे को, क्योंकि नाव ऐसे जाना चाह रही है, नदी ऐसे बह रही है, तो नाव कैसे जाती हुई दिखाई देगी? ऐसे. तो नाव हमारी इसे जाती हुई दिखाई देगी ऐसे. ये कौन सा वेग हो गया? VBG. तो सबसे पहले तो हमें निकालना है VBG. अगर आपको ध्यान हो तो हम घटक कैसे निकालते थे, यहां पे देखो अगर ध्यान से, तो ये कुछ ऐसा सा नहीं है, ये 2 मीटर है, यहां पे ये 10 मीटर है, ये इनका परिमाणी परिणामी है. तो क्या हो जाएगा हमारा बीबीजी? बीबीजी हो जाएगा 2i, भाई x की दिशा में ही तो है, और ये प्लस 10j, करेक्ट. ये हो गया हमारा बीबीजी. जब अगर हम जो आपेक्षिक वेग निकालते थे उस फॉर्मूले से निकालो तो क्या होता था हमारे पास फॉर्मूला होता था VBR will be VBG minus VR G. VBR कितना है हमारे पास? 10J. दिशा के साथ लेना है क्योंकि ये सब वेक्टर्स होते हैं यहाँ पे. सॉरी 10J. VBG हमें निकालना है, भाई जमीन पे खड़े हुए आदमी को इसकी चाल कितनी लग रही है, माइनस VRG कितना है? 2I. इसे इधर ले आओ तो VBG आपका क्या हो गया? 10J plus 2I, या ऐसे ऐसे लिख लो, 2I plus 10J, सेम है ना. तो इसमें इन प्रॉब्लम्स में एक्चुअली आपको ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप देख के ही घटक से बता सकते हो कि जमीन के सापेक्ष बोट का या तैराक का वेग कितना होगा. अब इन्होंने हमें कहा कि हमें निकालना है नाव नदी पार करने में कितना समय लेगी. तो नाव हमारी ऐसे जा रही थी, ऐसे, उसे लगा कि वो ऐसे जाएगी, बट नहीं, नाव कैसे जा रही है? ऐसे. तो वो कितना समय लेगी? नदी कितनी है? 400 मीटर दूर चौड़ी है, तो दूरी कितनी हो गई? 400 मीटर. समय क्या हो जाएगा फर्स्ट पार्ट के लिए? समय बराबर दूरी बटे 4. अब जब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो हमेशा ध्यान दो, जो दूरी है उसी दिशा की चाल ली जाएगी. अब जैसे ये दूरी है y अक्ष के अलोंग है 400 मीटर, तो चाल भी कौन से लेंगे हम? ये वाली 10 मीटर सेकंड. अगर दूरी हम ये नाप रहे होते तो चाल हम कौन सी लेते? 2 मीटर प्रति सेकंड. तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये इसका बेसिक फंडा है, इसे याद कर लो कि अगर आप ऐसे जा रहे हो, दूरी आपकी ऐसे है y अक्ष के अलोंग, तो वेग भी कौन सा लोगे? y अक्ष के अनुदिश. दूरी आपकी x अक्ष के अनुदिश है तो वेग भी कौन सा लोगे? x अक्ष के अनुदिश. ठीक है, तो चलिए करते हैं. दूरी कितनी है? 400 मीटर. चाल कितनी है? 10 मीटर ली जाएगी, तो कितना समय लगेगा? 40 सेकेंड आंसर. ठीक है, सेकेंड पार्ट में अब इन्होंने कहा हमें निकालना है प्रारंभ के बिंदु के ठीक सामने दूसरे किनारे पर के बिंदु से नाव कितनी दूर निकलेगी. तो एक्चुअली नाव ने तो शुरू करा था कि भाई मैं यहां से शुरू कर रही हूँ ए से और बी पे निकल जाऊंगी, पर क्योंकि नदी भी बह रही है तो नदी भी नाव को बहाएगी, तो नाव यहां ना निकल के ये दूरी चलेगी और कहां निकलेगी? इस पॉइंट पे. तो हमें निकालनी है ये बीसी दूरी कितनी है. ठीक है, अब एक और चीज याद रखने वाली है, जितना समय ये यहां से यहां तक लेने में जाने में लेगी उतना ही समय ये यहां से यहां तक जाने में लेगी है, क्योंकि नाव हमारी ऐसे न चल के ऐसे चल रही है. ठीक है, तो समय हमेशा ध्यान रखो, समय ये दूरी निकालो या ये दूरी निकालो, समय हमेशा सेम होगा. ठीक है, तो सेकंड में हमें कौन सी दूरी निकालनी है? बीसी दूरी. बीसी क्या हो जाएगी? समय गुणा चाल. समय कितना है? 40 सेकंड. अब चाल कौन सी लेंगे, 10 मीटर या 2 मीटर? दूरी कौन सी है? एक्स अक्ष के अनुदिश, ये वाली क्षैतिज दूरी निकाल रहे, तो चाल भी हम क्षैतिज ही लेंगे, 2 मीटर. 80 मीटर दूर, जहां उसे निकलना था उससे 80 मीटर दूर नाव हमारी निकलेगी. अब नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि नाव ने हमारी वास्तव में दूरी कितनी तय करी, मीनिंग नाव ने सोचा कि मैं यहां से यहां आ गई हूँ ए से बी में, तो दूरी मैंने ये 400 मीटर तय करी, पर नहीं, सच में उसने दूरी कितनी तय करी, ये ए से सी, क्योंकि वो बहाव के साथ बह गई, तो नाव हमारी ऐसे तैरती हुई पहुंची वहां, तो वास्तविक दूरी कितनी तय करी है? ए सी. वास्तविक
तय दूरी वो कितनी है हमारे पास एसी। कैसे निकालोगे एसी? यहां पे अगर आप देख पा रहे हो तो ये आपका क्या है, एक समकोण त्रिभुज बन गया ना, देखो ऐसे यही तो बना है, ठीक है। ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है बी, ये सी। ए बी हमें इन्होंने दिया हुआ है 400 मीटर है, ए बी 400 मीटर। बी सी, बी सी हमने निकाली है 80 मीटर। हमें पूछ रहा है ए सी कितनी होगी, कितनी होगी ए सी निकाल दो। ए सी बराबर अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, करेक्ट। ए बी कितना हो गया 400 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें से 80 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो यहां क्या बचा 5, 8 पंजे 40 होता है ना भाई, तो 5 बचा, 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया 80 बाहर आ जाएगा, 80 अंदर क्या बचा 5 पंजे 25 प्लस 1 26, तो ये हुआ 80 अंडर रूट 26 मीटर, ये हमारी एसी दूरी हुई, आंसर करेक्ट। अब इसमें वो एक और पूछ सकता है, वीबीजी हमने निकाल तो दिया, ठीक है, ये तो हमारा आया वेक्टर में। अगर उसने पूछा कि उसका वीबी जो नाव का जमीन के सापेक्ष जो वेग है उसका परिमाण कितना होगा, तो वो भी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं भैया, तो इस फॉर्मूले से निकाल दो या यहां से निकाल दो, यहां से भी तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला बन जा रहा है ना आपका, समकोण त्रिभुज बन रहा है ये। चलो तो हमें उसने कहा बीबीजी वेग का परिमाण निकालना है कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे बीबीजी परिमाण 2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ऐसे तो निकालते थे, 4 प्लस 100 अंडर रूट 104 मीटर प्रति सेकंड हो गया हमारा वेग। अब अगर आप यहां से देखो तो यहां से भी निकाल सकते हो, ये देखो ये वाला जो वेक्टर है वेग का वो कितना है 10 मीटर है इसका परिमाण, दूसरा वेक्टर बीसी उसका परिमाण कितना है 2 मीटर है, हमें कौन सा निकालना है ये वाला, इसका परिमाण हमें निकालना है, तो समांतर चतुर्भुज बन गया ना दोबारा से, तो अगर हम इसे ए बी सी, तो वेक्टर ए सी का परिमाण निकालना है जो कि हमारा क्या है बी बी जी है उसका परिमाण है, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, करेक्ट। ए बी कितना है 10 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 10 कितना है 100 प्लस 4 अंडर रूट 104 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसमें एक और चीज है, कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर मैं कहूं पहले तो मैंने क्या ले दिया कि ये 400 ले दिया, ये 80 ले दिया और मैंने ये दूरी निकाल दी, तो उसमें आपको ध्यान देना है कि हम किस टाइम पे क्या बोल रहे हैं। पहले हम बोल रहे थे कि हमें निकालना था कितनी दूरी उसने चली, तो हम दूरी ले रहे थे 400 मीटर, ये वाली दूरी हमने कितनी निकाली थी 80 मीटर, और फिर हमने निकाल दी थी नाव ने कितनी दूरी वास्तव में चली। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमें नाव का वेग निकालना है, तो हम वेग के वेक्टर्स ले रहे हैं, इस दिशा में वेग का वेक्टर 10 है, इस दिशा में वेग का वेक्टर कितना है 2 है, तो फिर हम ये परिणामी वेक्टर त्रिभुज विधि से निकाल देंगे, या आप डायरेक्ट ऐसे निकाल लो, आपकी चॉइस है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमारे पास जो नदी है वो कितने से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रही है। अब की बार हमारे पास जो तैराक है करेक्ट, उसने ऑलरेडी नदी से कितना कोण बनाते हुए 37 डिग्री का कोण बनाते हुए उसने तैरना शुरू किया, और उसका वेग है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, नदी की चौड़ाई है 15 किलोमीटर। तो अब इसमें बच्चे अधिकतर क्या गलती करते हैं, वो क्या मान लेते हैं कि इसने ऐसे बहना शुरू किया था, नदी इसे ऐसे बहा रही है, तो क्या होगा ये बिल्कुल सीधा यहां जाके निकलेगा, करेक्ट। भाई देखो इसने ऐसा बहना शुरू किया, नदी से ऐसे बहा रही है, तो ये कहां जाके निकलेगा सामने अपने
जहां से शुरू किया वहां के बिल्कुल सामने वाले पॉइंट पर वो जाके निकल जाएगा। पर ऐसा सच में होता नहीं है। ये जो फंडा लगा देते हैं ना बच्चे, ये गलत है। समझो कि जरूरी तो नहीं है कि भाई आपकी जो नदी है वो ऐसे जा रही है और वो इसे यहीं पे निकालेगी। अगर नदी तेज जा रही है, चलो इस चीज को समझते हैं, अगर नदी तेज जा रही है तो ये कहां निकलेगा? तो सबसे पहले क्या, ये जो हमारा वेग है ये नदी के सापेक्ष है, तो हमारे पास क्या है, वी एस आर कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। वी आर जी कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। हमेशा एक चीज ध्यान रखो, जो कुछ भी हम बोल रहे हैं वो सब हम बोल रहे हैं कि हम जमीन पे खड़े होके ये सब देख रहे हैं। तो आप इसमें क्या करो कि जो ये वेग है हमारा, इसके घटक निकालो। 37 से जा रहा है ना, तो इस दिशा में कौन सा घटक हो जाएगा इसका, इसमें हो जाएगा 5 cos 37 degree। इस दिशा में इसका घटक क्या हो जाएगा, 5 sin 37 degree, करेक्ट। तो अब इसमें जो ये 37 डिग्री है इसका हम कैसे निकालते थे, याद हो तो ये समकोण त्रिभुज होता था, छोटे वाला कोण है अगर सामने, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 यहाँ पे 5 निकाल दो, इसका मान क्या हो जाएगा, 5 cos 37 क्या हो जाएगा, 5 × cos क्या होता है, लल्लू आम लाया कहो कैसे आया, sin cos 10, आधार बटे कर्ण, आधार 4/5 4/5, तो वेग आ गया इस दिशा में है 4। ये निकाल दो, ये कितना हो जाएगा, 5। साइन कितना होगा, लंब बटे कर्ण, लंब 3/5 3/5 5 से 5 कट गया, 3 किलोमीटर प्रति आर किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो अब इसमें एक चीज देखो बच्चों, यहां पे क्या हुआ, इसका ये दिशा में घटक है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, इस दिशा में घटक क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। नदी किस दिशा में जा रही है, इस दिशा में, वो भी कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो अब कौन सा बचा, सीधा वाला, तो ये सीधा निकल जाएगा जाके। पर अगर किसी कारण से ये हो जाता कि यहाँ 4 ना आके 3 आ जाता ये वाला घटक, तो फिर तो क्या होता है, इधर का वेग ज्यादा है तो इधर की तरफ को कुल कितना वेग लग रहा होता, तो ये फिर कुछ ऐसा बनता, ये 3 और इधर की तरफ को 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो ये हमारा तैराक जिसने ऐसे तैरना शुरू किया था वो सीधा यहां नहीं पहुंचता, अब वो कहां पहुंचता, इसका कुछ परिणाम नहीं होता तो वो कहीं, तो वो यहां कहीं किसी बिंदु पे पहुंचता, सीधा नहीं पहुंचता। अगर नेक्स्ट चीज ये हो जाती कि इधर का जो आपने घटक निकाला वो ज्यादा आ जाता, समझो 5 आ गया, तो अब क्या होता, इस केस में हमारा ये कैसे बनता, ये 3 नहीं, एक्चुअली यहां पे 5 ही आता, फिर इधर की तरफ को 1 हो गया। तो अब तैराक पे जो परिणाम है उसका वेग होता वो कुछ ऐसा सा होता, तो फिर तैराक कहां निकलता, यहां कहीं पीछे निकलता, इस बिंदु से कहीं पीछे निकलता, ठीक है। तो इसमें ये नहीं समझना है कि अगर वो किसी कोण पे चला तो ऐसे नदी उसे ऐसे बाहर है तो बिल्कुल सामने ही निकलेगा, जरूरी नहीं है। सामने जब भी निकलेगा, जब नदी का वेग और तैराक के वेग का जो क्षैतिज घटक है वो दोनों आपस में बराबर होंगे, जब वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, दोनों चार चार हैं, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तब वो सीधा निकलेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में बैठा लो, अगर वो किसी कोण पे तैरना स्टार्ट करता है तो जरूरी नहीं कि वो हमेशा सीधा ही निकलेगा, जो सामने जो पॉइंट है उससे थोड़ा सा आगे भी निकल सकता है, उससे थोड़ा सा पीछे भी निकलता है, निर्भर करेगा कि जो ये आपका क्षैतिज घटक है ये क्या है, ये वेग नदी के वेग से बड़ा है या ये वेग नदी के वेग से छोटा है। अगर बराबर होगा तो बिल्कुल सीधे निकलेगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे का न्यूमेरिकल करते हैं अपना। तो ये तो है इसका मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है कि इसे कितना समय लगा यहां से यहां तक पहुंचने में, तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे 4। दूरी कितनी चलनी है इसे, 15 किलोमीटर, भाई नदी तो पार करनी है ना, चाल कितनी है, अब चाल के लिए तो केवल एक यही तो बचा है घटक हमारे पास, तो चाल कितनी हो गई हमारी, कितनी आई थी, 3, तो 3 × 15 5 घंटे उसे लगेंगे पार करने में। अब एक और चीज इन्होंने पूछी है कि वास्तविक दूरी उसने कितनी चली, वास्तविक दूरी कितनी चली, यही तो चली,
जितनी हमारी नदी की चौड़ाई है उतनी ही दूरी तो इसने वास्तविक में चली। वो चला तो ऐसे था पर नदी का बहाव भी हुआ तो वो सीधा यहां से यहां तक तो चली गई दूरी। चली गई दूरी कितनी हो गई हमारे पास 15 किलोमीटर आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर वो किसी कोण पे है जरूरी नहीं कि हर केस में वो सामने ही निकलेगा। ठीक है एक और प्रॉब्लम देखते हैं उससे आपका क्लियर हो जाएगा कि अगर ये दोनों घटक आपस में बराबर नहीं है नदी का वेग और तैराक का जो वेग का क्षैतिज घटक है वो आपस में बराबर नहीं है बड़े या छोटे हैं तो फिर कैसे होता है। ओके नेक्स्ट नोवेकल मैंने कहा एक तैराक 5 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से बह रही 500 मीटर चौड़ी नदी को तैरकर पार करना चाहता है। तो हमारे पास नदी है जिसकी चौड़ाई है 500 मीटर। इसमें इन्होंने कहा तैराक 5 किलोमीटर प्रति वेग से बह रही नदी का जो वेग है 5 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से वो बह रही है मीनिंग वी आर जी हमारे पास है। पानी के सापेक्ष तैर की चाल तैराक की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वे धारा की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए तैरे तो नदी को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। इन्होंने क्या कहा धारा की दिशा से थीटा कोण बना रहा है मीनिंग धारा की दिशा तो ये है ना तो वो ऐसे बह जा रहा है और यहां से कोण कितना बना रहा है थीटा। उसका वेग कितना है हमारे पास 3 किलोमीटर प्रति घंटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा क्या हो गया VSR तैराक का नदी के सापेक्ष वेग। इन्होंने कहा कि वो नदी को पार करने में कितना समय लेगा तो सबसे पहले हमें क्या निकालने पड़ेंगे इस वेग के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है तो अगर ये थीटा है इस दिशा में अगर हम निकालें तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा करेक्ट टोटल 180 तो 180 माइनस थीटा ये अब निकाल दो इधर घटक क्या होगा 3 cos 180 180 माइनस थीटा इधर की तरफ जो घटक होगा वो क्या होगा 3 sin 180 माइनस थीटा करेक्ट। यहां हम इसे क्या लिख सकते हैं 3 sin थीटा और ये -3 cos थीटा करेक्ट। अब हमें क्या निकालना है इसे पार करने में लिया गया समय तो समय बराबर क्या होगा दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 500 मीटर नदी की जो से पार करनी है अब ये दूरी ले रहे हैं तो हम कौन सा वेग का घटक लेंगे ये वाला 3 sin थीटा। ओके वन मोर थिंग ये कितना है 3 sin थीटा किलोमीटर में ये मीटर में है तो दूरी को हम यहां पे किलोमीटर में चेंज कर लेंगे 0.5 आ जाएगा करेक्ट 0.5 6 30 1/6 sin थीटा घंटे आंसर। मिनट में लिखोगे तो क्या हो जाएगा 60/6 sin थीटा 6 से 10 10 sin थीटा मिनट समय लगेगा उसे नदी को पार करने में। अब इन्होंने कहा कि न्यूनतम समय कितना लगेगा नदी को पार करने के लिए इस तैराक को न्यूनतम कितना समय लग सकता है तो ये समय इसका मतलब मिनिमम नहीं है। न्यूनतम समय कब आएगा देखो वो ऐसे बह रहा था करेक्ट न्यूनतम समय जब लगेगा अगर वो सीधा ऐसे बह के यहां केवल इतनी दूरी चले यहां वो कुछ ज्यादा दूरी चल रहा है ठीक है ना। न्यूनतम समय कब लगेगा अगर जो ये हमारा थीटा है ये 90 डिग्री हो जाए करेक्ट थीटा अगर 90 ये ना हो के तैराक ऐसे ना जाके थीटा अगर हमारा 90 हो जाए तो तैराक ऐसे जाएगा सीधा तो थीटा हमारा अगर क्या हो जाए 90 फर्स्ट सेकंड सो न्यूनतम समय कब लगेगा अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए हमारा ठीक है तो ये समय था न्यूनतम कब होगा अगर साइन 90 हो जाए मींस 10 मिनट उसे लगेंगे पार करने में न्यूनतम समय होगा 10 मिनट अगर वो बिल्कुल सीधा सीधा निकले तो वो 10 मिनट लेगा अगर वो ऐसे तिरछा होके बहना शुरू करेगा तो नदी का भी कुछ वेग होगा तो उसे ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी और समय लगेगा
10 बटे साइन थीटा मिनट। अभी तक जितनी भी प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व करी है सबके सब हमारी एच सी वर्मा से। तो अभी उन्होंने कहा कि जो हमने लास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करी है, तैराक को पैदल या तैर कर प्रारंभिक बिंदु के ठीक सामने दूसरे किनारे तक पहुंचना है। यदि वह तैराक उस बिंदु से दूर कहीं निकलता है तो उसे पैदल चलकर उस बिंदु तक आना पड़ेगा। उसे कम से कम कितनी दूर पैदल चलना पड़ेगा? तो ये क्या बोल रहे हैं? देखो यहाँ पे एक चीज देखो, हमारा क्या क्या वेग आया है, ये है 3 sin थीटा, ये ऊर्ध्वाधर दिशा में, इधर हमारा क्या है -3 cos थीटा, इधर नदी का कितना है 5 है। तो क्या ये दोनों कैंसिल हो गए? नहीं, अब की बार तो कैंसिल नहीं हुए, तो इसका मतलब हमारा तैराक सीधा यहां तो पहुंचेगा नहीं। इसे देखो ये माइनस है तो ये भी इधर चला जाएगा, सो 5 + 3 cos थीटा, एक्स दिशा में उसका वेग कितना हो गया 5 + 3 cos थीटा। तो अब की बार हमारा जो तैराक है वो यहां कहीं निकलेगा, है ना भाई, ये वेग भी था ऐसे बाहर आया, ऐसे ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये आगे कहीं यहां निकलेगा। तब इन्होंने पूछा है क्योंकि इसकी वजह से, इस घटक की वजह से ये आगे कहीं निकला, अपने मेन बिंदु पे नहीं आया, तो इसे यहां पहुंचने में, अगर ये ए है ये बी है ये सी पे निकला, तो इसे बी तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, पैदल चल के या तैर के उसे कितनी दूरी तय करनी है। तो पैदल चले या तैरे दूरी तो समान ही रहेगी, समय का ही तो अंतर हो जाएगा, दूरी हमारी समान ही रहेगी, ठीक है। तो अब इसमें हमारा जो ये घटक क्या हो गया हमारा VRG, करेक्ट। तो VRG हमारा कितना है 5 + 3 cos थीटा। VSR हमारा कितना था 3। तो VSG हमारा निकालना है तो कितना हो जाएगा हमारे पास, यहां से देख लो 3 sin थीटा j प्लस 5 + 3 cos थीटा i, ये तो हो गया हमारा VSG। पर इन्होंने हमें पूछा कि ये दूरी BC कितनी है। अब ये दूरी अगर हम निकालेंगे, दूरी BC बराबर 4 × समय, करेक्ट। चाल हमारी कितनी है, दूरी देखो ये है क्षैतिज दूरी, क्षैतिज दिशा में चाल कितनी है, ये 5 + 3 cos थीटा cos थीटा। समय कितना है, हमने पहले बताया है समय ये दूरी चलनी हो या ये दूरी चलनी हो, समय हमेशा बराबर होगा। तो पिछली प्रॉब्लम में हमने अपना समय निकाला था 10 बटे sin थीटा, करेक्ट, वो था हमारा मिनट में। यहाँ ये सब चालें हैं हमारे किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो जब हम किलोमीटर में निकाल रहे थे तो हमारा आंसर क्या था 5/6 sin थीटा, 0.5/6 ये था 1/6 sin थीटा, ये हमने पिछले उसमें निकाला था, घंटे हमारे 1/6 sin थीटा आए थे। तो चलो अभी से सॉल्व करो 3 cos थीटा / 6 sin थीटा। तो ये दूरी हुई यहां से यहां तक। इन्होंने कहा कि कम कितनी दूरी वो चलेगा, तो कम से कम दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम इस दूरी को डी बोल दें, डी नहीं चलो एस बोल दें। अब ये तो है चली हुई दूरी, पर इन्होंने हमें निकालने का है न्यूनतम दूरी कितनी होगी। तो न्यूनतम दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ds/d θ = 0। तो सबसे पहले अब इसका हमें अवकलन करना होगा, 5 + 3 cos θ / 6 sin θ = 0। तो इसका याद हो तो फॉर्मूला क्या निकालते थे हम, d/dt u/v, कैसे निकालते थे इसे, v du/dt - u dv/dt / v². तो यहाँ पे v क्या है 5 + 3 cos थीटा, u क्या है 5 + 3 cos थीटा, v क्या है 6 sin थीटा। तो चलो करते हैं v 6 sin थीटा, d/dθ 5 + 3 cos थीटा -5 + 3 cos थीटा d/dθ 6 sin थीटा / 6
साइन थीटा होल स्क्वायर, और ये सब कुछ हमारे किसके इक्विवेलेंट है, इक्वल्स टू जीरो। सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, सिक्स साइन थीटा, फाइव का जीरो, थ्री कॉस थीटा का साइन थीटा माइनस माइनस साइन थीटा, यहां पे फाइव प्लस थ्री कॉस थीटा एज इट इज, सिक्स कॉन्स्टेंट साइन थीटा का कॉस थीटा, सिक्स कॉस थीटा बटे सिक्स साइन थीटा होल स्क्वायर बराबर जीरो। अब ये तो इधर जाके जीरो हो जाएगा, करेक्ट, इसे सॉल्व करो क्या आएगा, छत्तीस अठारह, अठारह साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस पांच छत्तीस, तीस कॉस थीटा माइनस छत्तीस अठारह कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जीरो। इन दोनों को एक साथ रख दो, माइनस अठारह कॉमन ले दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस थर्टी कॉस थीटा बराबर जीरो। तो ये अब करेंगे तो हम सॉल्व, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, सो माइनस एटी माइनस थर्टी कॉस थीटा बराबर जीरो। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, एटीन बाय थर्टी माइनस का छत्तीस अठारह छप्पन तीन बटे पांच। अब हम निकाल लेंगे अपने साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस थ्री बाय फाइव होल स्क्वायर बटे वन माइनस नाइन बाय ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव माइनस नाइन सिक्सटीन, चार बटे पांच। तो ये साइन थीटा कॉस थीटा ये सब कुछ हमने क्यों करा, क्योंकि हमें दूरी में इनके मानों को रखना है, ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा के मान हमें रखने हैं। तो दूरी हमारी क्या आई थी, फाइव प्लस थ्री कॉस थीटा बटे सिक्स साइन थीटा। अब साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू रखो इसमें, कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई, माइनस थ्री बाय फाइव, अच्छा माइनस पहले रख दिया, सिक्स साइन थीटा की वैल्यू फोर बाय फाइव, ठीक है, पांच कॉमन आ जाएगा, पच्चीस माइनस नौ बटे पांच, छह चौक चौबीस बटे पांच, पांच से पांच कैंसिल, पच्चीस माइनस नौ सोलह बटे चौबीस, इसे करोगे तो चार चौक सोलह, चार छक चौबीस, दो बटे तीन किलोमीटर दूरी उसे चलनी पड़ेगी। तो बिगनिंग में जो हमने ये निकाला था अपना डीएस बटे डी थीटा बराबर जीरो रखा था, वो निकाला था हमने कॉस और साइन की वैल्यू निकालने के लिए, जिससे हम अपना पूरा आंसर निकाल सके। अगर आप ये भी रख दोगे तो ये भी सही है, पर डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल आपका कितने नंबर में है। अगर ज्यादा नंबर के लिए पूछा गया, चार नंबर के लिए या पांच नंबर के लिए आपका न्यूमेरिकल पूछा गया, तो पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज खाली दूरी फाइव प्लस थ्री कॉस थीटा बाय सिक्स साइन थीटा से भी करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम अगेन फ्रॉम एच सी वर्मा, दे सेड मनुष्य शांत एक मनुष्य शांत पानी में तीन किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैर सकता है, वह दो किलोमीटर प्रति रफ्तार से बहती एक नदी को तैरकर पार करना चाहता है, ये दिया है, ये हमारी नदी है जो किस वेग से जा रही है, दो किलोमीटर प्रति घंटा, दो किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वी आर जी इन्होंने दिया है, उसे पानी के साथ और अपने प्रस्थान बिंदु के ठीक सामने दूसरे किनारे पर निकालना चाहता है, मीनिंग उसने यहां से स्टार्ट किया तो वो सीधा यहां निकलना चाहता है, उसे पानी के सापेक्ष किस दिशा में तैरने की कोशिश करनी चाहिए, ये हमसे पूछा है। तो एक्चुअली वो यहां से स्टार्ट करता है ए से और बी में निकलना चाहता है, अगर उसे बी में निकलना है तो उसे यहां से कुछ ये निकलना है, तो उसे ऐसे कुछ तैरना शुरू करना पड़ेगा कुछ एंगल थीटा पर, है ना, और नदी के सापेक्ष उसका वेग बताया है इन्होंने तीन किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा तीन कॉस थीटा और इस दिशा में आ जाएगा तीन साइन थीटा। अब ये किस कोण पे तैरे कि ये यहां सामने निकले, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर वो किसी कोण पे धारा की दिशा से किसी कोण पे तैरना स्टार्ट करता है तो वो सामने जब निकलेगा, जब ये जो उसके वेग का क्षैतिज घटक है और जो नदी का प्रवाह ये है ना दो किलोमीटर प्रति घंटा, अगर ये दोनों आपस में
बराबर हो जाए तभी वो सामने निकलेगा, तो निकाल दो। 3 साइन थीटा बराबर 2, सो साइन थीटा बराबर 2/3। थीटा कितना आ गया? साइन इनवर्स 2/3। इस कोण पे उसे नदी के सापेक्ष तैरना चाहिए जिससे कि वो अपने सामने वाले बिंदु पे निकल आए। नेक्स्ट इन्होंने पूछा, यदि नदी की चौड़ाई 500 मीटर है, ये दे दिया, नदी की चौड़ाई कितनी है? 500 मीटर। तो मनुष्य को नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? यहां से यहां तक पहुंचने में लगा समय, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट समय, दूरी 4। दूरी कितनी है? 500 मीटर। अब क्योंकि 4 किलोमीटर में था, हमने से क्या कर दिया? 0.5 किलोमीटर। चाल कितनी है? हमने क्या कहा, ऐसे जा रहा है तो चाल भी यही वाले लेंगे, कितनी? 3 cos थीटा है चाल हमारे पास, 3 cos थीटा। अब इसमें हमें सबसे पहले cos थीटा का मान निकालना है। देखो साइन थीटा हमारे पास है 2/3, तो हम जानते हैं cos थीटा क्या हो जाएगा, √1 - sin²θ। 1 - sin की वैल्यू 2/3, 4/9, 9 में से 4 गए 5, सो √5/3। ये हम आ गया cos थीटा, cos थीटा का मान यहां रख दो 0.53, √5/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 कट गया 10, 5 × 2 = 10, 10√5 घंटे उसे लगेंगे नदी को पार करने में। अगर आप इसे मिनट में निकालना चाहो तो 60 कर दो, क्या हो जाएगा? 60/10√5, 6/√5 मिनट लगेंगे उसे पार करने में। नेक्स्ट प्रॉब्लम में इन्होंने कहा, एक मनुष्य शांत पानी में 3 किलोमीटर/घंटे की दर से तैर सकता है, उसे 500 मीटर चौड़ी नदी तैरकर पार करना है जो 2 किलोमीटर/आवर की दर से बह रही है। तो ये हमारे पास नदी है जो कि बह रही है 2 किलोमीटर/घंटा की दर से, ये कितना हो गया? VRG दिया हुआ है। नदी की चौड़ाई इन्होंने दी है हमारे पास 500 मीटर, तैराक जाता है 3 किलोमीटर/घंटे की दर से। यदि वह तैरते समय सदा अपने को धारा की दिशा से 120 डिग्री पर रखता है, मीनिंग ये है, ये धारा की दिशा है, तो इससे वो हमेशा अपने आप को किस पे रख रहा है? 120 डिग्री पे। ये वेग इन्होंने दिया हुआ 3 किलोमीटर/घंटा। ये हमारे पास क्या है? VSR, तैराक का नदी के सापेक्ष वेग। तो इन्होंने हमसे पूछा, नदी को पार करने में कितना समय लगेगा? नदी के दूसरी ओर वह किस बिंदु पर निकलेगा? अब देखो इसमें बच्चों एक चीज है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप क्या कह रहे हो, क्या कर दोगे? ये तो इधर को बह रहा है तो ये सीधा यहाँ निकलेगा, यहां से शुरू हुआ सीधा यहाँ निकल जाएगा क्योंकि नदी इधर को ले जा रही है। नहीं, चेक करो कॉन्सेप्ट से, इधर 120 है तो इधर कोण कितना होगा? 60 डिग्री, करेक्ट। घटक कितने हो जाएंगे? इधर हो जाएगा हमारा 3 cos 60, इधर घटक हो जाएगा 3 sin 60, करेक्ट। अब इसमें एक चीज देखो, चलो सबसे पहले समय लगा लेते हैं, निकाल लेते हैं कि उसे समय कितना लगेगा नदी को पार करने में। नदी को पार करने में लगा समय, समय बराबर दूरी 4। दूरी कितनी है हमारे पास? 500 मीटर, तो इसे 0.5 रख देंगे क्योंकि हमें दी हुई है सब चीजें किलोमीटर में, तो इसलिए से भी किलोमीटर में। चाल कितनी है? चाल है ये वाली दिशा की लेंगे, ऊर्ध्वाधर दिशा की, 3 sin θ, थीटा कितना? 60, 3 sin 60, तो कितना मान हो जाएगा इसका? ये 3 sin 60, √3/2, करेक्ट। रख दो यहाँ पे मान, चलो तो चाल है 3√3/2, ये 0 कर दो, 5 × 30, 2 × 6, 1/3√3 घंटे लगेंगे उसे नदी को पार
करने में। दूसरा इन्होंने कहा नदी के दूसरी ओर वह किस बिंदु पर निकलेगा। अब पहले तो हमें ये देखना है क्या वो सामने निकलेगा या कहीं और निकलेगा। ठीक है, चेक करो यहाँ पे कौन कौन से घटक है। एक तो ये है, ये है हमारा 1.5√3, करेक्ट। एक ये घटक है, ये कितना है 3 cos 60, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो ये कितना है 1.5। एक ये घटक इधर 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी नदी उसे बहा रही है। ठीक है, तो ये उसके वेग के घटक है। अब ये दोनों कैंसिल तो कर नहीं रहे, अगर इसे आप इधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा 2.5, तो रिजल्टेंट इसका क्या बनेगा हमारे पास, रिजल्टेंट कुछ ऐसा बनेगा, ये 1.5 इधर ये 1 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर रही है। तो नाव हमारी सीधी तो नहीं पहुंचेगी अब, क्योंकि अगर इनका परिणाम ही निकालो तो कुछ ऐसा सा बनेगा। तो नाव हमारी कहां पहुंचेगी, यहां कहीं किसी बिंदु पे नाव हमारी पहुंचेगी, तो कुछ ऐसा सा होगा ना जो रिजल्टेंट आएगा, वो कुछ यहां पहुंचेगी नाव हमारी। ठीक है, तो इन्होंने पूछा कि वह नाव कितनी दूर पहुंचेगी, हमें ये दूरी निकालनी है। अगर मैं इसे ए कह दूं, इसे बी, इसे सी, तो हमें बी सी निकालना है कि कितना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दूरी बी सी बराबर कितनी हो जाएगी, 4 × समय। चाल कितनी है हमारी, इस दिशा में जो चाल है वो निकालनी है, सॉरी 1.5, दो चाल कितनी हो जाएगी हमारी 0.5, करेक्ट। तो चाल हो गई 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो इस दिशा की तरफ को नाव को हमारी बहा रही है। समय कितना है 1/3√3, इसे करके 0 कर दो, 5 × 36, 1/6√3 किलोमीटर दूरी पे वो जाके निकलेगा। यहां से यहां तक की दूरी है 1/6√3 किलोमीटर। अब अगर उसमें ये भी पूछ लेते हैं हमारे पास, देखो शुरू से ही बताते आ रही है, जितनी भी घटनाएं हैं ये कैसे देखी जा रही है, यहाँ जमीन पे कोई बंदा खड़ा है वो इन्हें देख रहा है, तो जमीन के सापेक्ष। अगर ये भी पूछ लेता कि भाई VSG क्या हो जाएगा, जमीन के सापेक्ष नाव का वेग क्या होगा हमारा, निकालो VSG, तो ये परिणामी वेग आए ना हमारे एंड में, तो करेक्ट। तो यहां से निकालोगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 0.5i + 1.5j, ये होगा हमारा तैराक का जमीन के सापेक्ष वेग। अगर आप फॉर्मूले से निकालो तो फॉर्मूला क्या होता था, VSR बराबर VSG − VRG, करेक्ट। VSR कितना है निकालो भाई, VSR ये था, तो ये कितना था, एक तो ये प्लस ये, I दिशा में कितना है 1.5, 1.5√3, सॉरी J दिशा में है, Y अक्ष के अनुदिश, प्लस I में कितना था, ये इस डायरेक्शन में है तो माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस 3 cos 60, 3 1/2, 1.5, 1.5 I, VSG तो हमें निकालना है, माइनस VRG कितना है, VRG है इस दिशा में 2 किलोमीटर, मींस 2I, करेक्ट। तो इसे इधर ले आएंगे तो VSG क्या हो गया 1.5√3J − 1.5I + 2I, 1.5 × 2.5, 0.5i + 1.5√3J। तो आप डायरेक्ट इससे निकाल लो भाई, आपने पहले इसके रिजल्टेंट निकाले, फिर इसका इससे रिजल्टेंट निकाल के यहाँ पे आपने डायरेक्ट रिजल्टेंट देगा देख सकते हो, या आप सापेक्ष वाले फॉर्मूले से भी से निकाल सकते हो, मान हमेशा आपका बराबर ही आएगा। अगर वो परिणाम पूछे तो परिणाम भी निकाल दो कि भाई इस वेग का परिमाण कितना है, 0.5² + 1.5² आंसर सॉल्व करके आप इसका परिमाण भी निकाल सकते हो। तो ये तो थी जितनी भी आपकी पॉसिबल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं नदी के बहाव से, तैराक हो या नाव हो। ठीक है, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखने वाली बात है, सबसे पहले जब आप
अगर आप दूरी आपकी ऊर्ध्वाधर है तो वेग का घटक भी आप ऊर्ध्वाधर लोगे, दूरी आपकी क्षैतिज है तो वेग का घटक भी आप क्षैतिज लोगे। अगर तैराक ने जिस बिंदु से निकलना शुरू करा है उसी बिंदु पे वो, उसी के सामने वाले बिंदु पे अगर वो पहुंच रहा है तो उसके लिए क्या होगा, जो आपके वेग का ये क्षैतिज घटक है वो नदी के वेग के बराबर होना चाहिए, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तभी तो वो सीधा निकलेगा, ठीक है। अगर ये क्षैतिज घटक कम हुआ तो नदी इधर को भा ले जाएगी, वो यहाँ कहीं निकलेगा। अगर ये क्षैतिज घटक ज्यादा हुआ तो फिर इधर को आपको भा ले जाएगी, आप पीछे कहीं निकलोगे, ठीक है। तो एग्जैक्ट निकलने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों घटक आपस में बराबर होने चाहिए, और इन दोनों घटकों को ही आप आपस में बराबर करके क्या निकाल लेते हो, थीटा। साइन थीटा भी तो निकल जाता है ना हमारे यहाँ से, ठीक है ना, थीटा की वैल्यू भी आप यहाँ से निकाल लेते हो आराम से। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी जेईई 2014 से एडवांस की प्रॉब्लम है, करेक्ट। इसमें उन्होंने बोला विमान ए तथा बी नियत वेग से क्षैतिज से क्रमशः 30 तथा 60 डिग्री का कोण बनाते हुए एक ही ऊर्ध्व तल में उड़ान भर रहे हैं। तो इन्होंने कुछ ऐसा सा डायग्राम हमें दे दिया है कि ये क्षैतिज से 30 पे जा रहा है और ये क्षैतिज से 60 पे जा रहा है। विमान ए ये विमान बी। अब इन्होंने कहा विमान ए की गति 100√3 है, 100√3 है। समय टी बराबर 0 सेकंड पर विमान ए के एक प्रेक्षक के अनुसार बी उससे 500 मीटर की दूरी पर है। प्रेक्षक के अनुसार नियत विमान, प्रेक्षक के अनुसार विमान बी एक नियत वेग से ए की गति के लंबवत दिशा में गतिमान है। यदि समय टी बराबर T0 पर विमान ए विमान बी से टकराने से बाल बाल बचता है तब समय T0 का सेकंड में मान निकालें। तो इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है एक्चुअली कि जो इसमें बैठा हुआ इंसान है उसे ऐसे लग रहा है कि विमान ऐसे नहीं उड़ के ऐसे उड़ रहा है हमारी तरफ को, और टी बराबर जीरो समय पे इन दोनों के बीच की कुछ दूरी 500 मीटर है। तो इन्होंने कहा दिया एक समय T0 कि उस समय के बाद ये दोनों से बाल बाल टकराने से बचता है, तो हमें T0 समय बताना है कितना होगा। तो बेसिकली अगर आप इस डायग्राम को ड्रॉ करोगे तो इन्होंने हमें कुछ ये दे दिया है, ये हमारा वी ए है जो कि कितने कोण पे है, क्षैतिज से 30 डिग्री, ठीक है। और इसका वेग कितना है हमारे पास, 100√3 दिया हुआ है। अब इसमें जो इंसान बैठा है ए प्लेन में, जो इंसान बैठा है उसे लग रहा है कि जो हमारा प्लेन बी है वो ऐसे नहीं जाके वो मेरी तरफ को आ रहा है उड़ता हुआ, वो उड़ता हुआ आ रहा है हमारा बी की तरफ को। तो अब निकालो क्षैतिज से ये प्लेन हमारा कितने पे उड़ रहा है, 60 पे, ये भी ऐसे उड़ रहा है, ठीक है। अगर आप इसका 30 पे निकालो ये कोण, अगर आप 30 डिग्री निकालो तो ये क्या होगा, बीबी कॉस 30 और ये हो जाएगा बीबी साइन 30। अब क्योंकि इस वाले बंदे को लग रहा है कि विमान हमारी तरफ को आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब केवल इसका ये घटक काम कर रहा है इसके लिए, तो ये और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो अगर हम इसे मान नाम दे दें, ये चलो पी ए नाम दे दें, ठीक है। तो इसमें इसे क्या लग रहा है, जो विमान ए है उसे लग रहा है कि बी इसके लंबवत चल रहा है, ऐसे लंबवत चल रहा है, तो इसके अनुरूप जो घटक होंगे दोनों के वो दोनों के आपस में बराबर होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, वी ए बराबर बी बी कॉस 30। वी ए का मान कितना है, 100√3, बी बी हमें पता नहीं है, कॉस 30 का मान कितना हो जाएगा, √3/2, 2 से 2 कैंसिल। तो VB की चाल कितनी हो गई है A के सापेक्ष, मीटर प्रति सेकेंड। अब हमें निकालना है, उन्होंने कहा कि T0 समय पे ये बाल बाल टकराने से बचता है और दोनों के बीच की दूरी कितनी दे दी है इन्होंने हमें, 500 मीटर, ये मीटर प्रति सेकेंड। तो निकालिए T0 समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 500,
चाल कितनी है इस दिशा में, चाल कौन से, वीबी साइन 30, करेक्ट, वीबी साइन 30, 500, वीबी का मान कितना है 200, साइन 30 का मान 1/2, सो 0.5 सेकेंड हमारा आया आंसर। तो 5 सेकेंड, जब 5 सेकेंड के बाद ये इससे बाल बाल टकराने से बचेगा। तो ये था हमारा जेई एडवांस का न्यूमेरिकल। तो हमारे रिवर बोट से या हवा और प्लेन की डायरेक्शन, सॉरी हवा और प्लेन की जितनी प्रॉब्लम है, या रिवर और स्विमर की, मीनिंग तैराक और नदी की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, ऑलमोस्ट जितनी पॉसिबल होती थी वो सब हमने यहाँ पे सॉल्व कर ली है। तो पढ़ते रहिए, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।